ऐसे ऐसे क्या क्या हरकतें की? पहली पहली दफा दुबई गया, जैसे और क्या क्या, जैसे वीडियो के अलावा भी कोई ऐसी चीज है जो कोई कहानी है कोई जो आप सुनाना चाहते हो? असल में पता सब कुछ होता है इंसान को, हाँ, कि ये कैसा है, लेकिन उसको एंजॉय करना, उसको हाँ, फन करना उसके साथ, हाँ, ये चीज होती है जो आप, लेकिन ये लोग रिलेट करते हैं इससे, हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग जो हमारे यहाँ, हमारी जबान तो इंग्लिश नहीं है ना, हमारी तो उर्दू जबान है, तो इसमें तो कोई आर नहीं है कि अगर इंग्लिश नहीं बोल पा रहा था या फन फन लग रहा था, हाँ, तो बहुत सारे लोग रिलेट कर रहे थे, हाँ, क्योंकि मैं भी जब पाकिस्तान की फ्लाइट से दुबई जा रही होती तो बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी होते जो इंग्लिश नहीं बोल पाते, वहाँ पे वो मुख्तलिफ काम करते हैं दुबई में, तो वो फन होता है, वो मजा आता है देखने में। कुछ लोग इसको मजाक के लिए हैसियत से लेते, लेकिन अली का बड़ापन है कि इसने अपना मजाक बनवा के दूसरों को हंसाया ना, मतलब वो वाली थी। क्यों आज बड़े चुप है आप? नहीं, मैं आप जो पूछेंगे बता दूंगा। असल में ये परेशान हो गया था कि इसका वीजा नहीं था लग रहा, हाँ, मैं हाँ, हमारा एक वीक का ट्रिप था जो कि मुझे 22 डेज जो ना मुझे वहाँ पर रहना पड़ा, क्योंकि इसका जो पासपोर्ट था, हेटर्स होते हैं, इसका पासपोर्ट ब्लैकलिस्ट था, फिर इसका वहाँ से ये क्यों भाई? तो परेशान हो गया बेचारा, कि नहीं लग रहा। मैंने कहा एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन परेशान, फिर एंड पे ये होगा कि नहीं लग रहा, हाँ। मैंने भी कहा कि अब वापस जा रहा हूँ लंदन में, ये नहीं लगना। आप दुबई बैठे रहे? दुबई बैठे रहा इसके वीजे के लिए। फिर हाँ, फिर मैंने एक बंदा था, उसने कहा कि यार लास्ट ट्राई, मैं अब पैसे मेरी मर्जी के, काम आपकी मर्जी का, हाँ। मैंने कहा चलो लास्ट ट्राई भी कर लेते हैं, हाँ। फिर उसने कहा कि सुबह मिलो, मिला उसने कहा ये लो वीजा, तो फिर उसने मैंने बताया, अच्छा, तो फिर ये खुश हो गया। हाँ, बताओ ये अली, ये क्या हुआ जब आपको वीजा मिल गया तो क्या छलांगे मारी थी, क्या किया था, खुशी का क्या सेलिब्रेशन क्या की थी? फिर तो मना कर दिया था इन्होंने कि हेटर्स को फिर पता चल जाएगा, फिर रुकना जाए, तो मैंने हंगामा ही नहीं किया, फिर चुपचाप चुपचाप पहले बहुत कुछ किया था मैंने, पासपोर्ट बना था, तो बहुत ही मैं खुश हुआ। अच्छा, पहली दफा पासपोर्ट बनाना? पहली दफा दुबई जाने के लिए। ओ, और मतलब लाइक फैमिली में पहली दफा बना था आपका पासपोर्ट? पूरी फैमिली है मेरी, तो फैमिली तो आई होगी मुबारकबाद देने सर, हाँ, है ना, दी थी सब। So sweet. ये कहाँ से मिली आपको? ये? मैं जब ही सक्कर से। हाँ, आप सक्कर में रहती हैं? तो आप सक्कर से टिकटॉक बनाती थी जी, तो फिर अली के साथ कैसे बनाना शुरू किए? वो हैदराबाद से सक्कर आ जाते थे या आप सक्कर से हैदराबाद आ जाते? नहीं, अली को मैंने इनवाइट किया था, हाँ, कि हम लोग मिलकर टिकटॉक बनाते हैं और अच्छा, वायरल होगी, मुझे ऐसा लगता था, हाँ, तो साथ में अच्छे लगेंगे, तो फिर ये आए, हाँ, और सक्कर आए। हाँ, सक्कर आए। ओए वाह भाई, कितना रास्ता है हैदराबाद और सक्कर के दरमियान? मुझे तो 8 घंटे लग गए थे, 8 घंटे बाय रोड गया था, लाहौर से आए थे। अच्छा, ये लाहौर से? हाँ, अच्छा, लाहौर से गया था मैं। ओए होए होए, फिर इस तरह आपने वीडियोस बनाना शुरू किए खड़े। तो एक, जैसे मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि नदीम ने चैलेंज किया था अली को और कहा था कि अगर उन्होंने ऊँट पे, जैसे ये वॉक करते हैं, अली की वॉक मशहूर है एक्चुअली, अगर ऊँट पे चल के तुमने दिखा दिया तो मैं तुम्हें दुबई का ट्रिप दूंगा, साथ आईफोन दूंगा, घड़ी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, जो वादा किया था वो कैसे पूरा किया? तो ये था अली के दुबई का ट्रिप, और वो कहते हैं स्पॉन्सर्ड बाय नदीम नाली वाला। हाँ, ये क्या शर्मीले हैं या शॉपिंग करने जाते थे तो बस सोचते नहीं थे ये भी दिला दो वो भी दिला दो, बस जो आता था हम मैं पे कर देता था। अच्छा, हाँ, अच्छा, मजा आया आपको? जी हाँ, बहुत। हाँ, एंजॉय किया दुबई, अच्छा लगा जी। फिर आके यहाँ पे जब कहानियाँ क्या सुनाई खानदान में सबको? ये पहली बात तो यकीन नहीं आ रहा था कि नदीम, हाँ, भाई मोबाइल देता है कि नहीं देता है। हाँ, तो मैंने खुद जब आप मेरे पास आए थे मैंने कहा नहीं, पता नहीं देंगे कि नहीं भाई, मैंने, हाँ, भी इनसे बोला था ये, याद है? तो मैंने सबको, हाँ, यकीन दिलाया कि दिया है भाई उन्होंने, हाँ, मोबाइल, हाँ, और वॉच दी थी और परफ्यूम और गिलास, वो तो दिखाया भी था जी। हाँ, तो खुश हुए? हाँ, काफी लोग हैरान हो गए कि भाई तुम्हें दिया है उन्होंने, तो मैंने चैलेंज पूरा किया तभी दिया उन्होंने। तब लाइक इंसान आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम होता है, तो अली जो है वो कैसे ग्रूम हुआ कि अब मुझे कौन सी शर्ट पहनी है, कौन सी लाइक बेल्ट पहनी है, कौन गाइड करता है अली को? मुझे, मैं अपने, हाँ, आप को खुद गाइड करता हूँ, खुद गाइड करता है। नदीम, आप अगर जो है वो टिकटॉकर नहीं बनते तो आप क्या सोचते हैं, आप क्या होते? मैं ऑलरेडी एज अ बिजनेसमैन हूं, मैं बिजनेस कर रहा था बस, छोटी सी उम्र से ही कर रहे हैं। हां, 17 तो पढ़ा वाला कितना? मैंने एफए किया था, एफए किया था, फिर लंदन चले गए थे, वहां जाके फिर
अपनी जिंदगी का वो किया है और आप MBBS कर है ना, अभी कौन से ईयर में, फोर्थ ईयर में, तो आगे कौन सा स्पेशलाइज किस चीज में करना है? गायनी में जाऊंगी, गायनी में जाऊंगी। तो फैमिली में मेरी अम्मी डॉक्टर है, वो भी गायनी की है। अच्छा, वैसे भी फैमिली में इसी प्रोफेशन में। आप रहती कौन से शहर में? मैं कराची में। आप कराची? अच्छा, तो अब मैं जानती हूँ आपके बारे में। मैं जबीन सक्कर में रहती हूँ। तो मैं जबीन क्या पढ़ती है, क्या प्रोफेशन? मैंने अभी ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया है। अच्छा, मैं MA कर रही हूँ। MA जी। वाह, लड़कियाँ तो आपकी बड़ी पढ़ी लिखी।